गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 8, पेज नंबर 22 को पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने बोर्ड मास के बारे में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ये सब है, ये भी सिंप्लीफिकेशन है। तो बोर्ड मास का मालूम है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ज्यादा आसान होगा। तो B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, F फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का एक्सरसाइज 8 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है, 16 + 12 - 2 × 6 यही क्वेश्चन है। तो पिछला वाला जो हम लोग बनाए थे पिछले क्लास में, तो उसमें ब्रैकेट नहीं था, अब हम लोगों के पास ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट का काम पहले होगा, क्योंकि बिफोर ब्रैकेट कौन कौन सा ब्रैकेट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले फर्स्ट ब्रैकेट देखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट हम लोग के पास है ना, तो पहले इसका काम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर कौन सा निशान है, प्लस का, मतलब दोनों नंबर को क्या करना, प्लस करना, एड कर दो दोनों को, 28 हो जाएगा। माइनस, ब्रैकेट हो गया उसका काम खत्म, 28। उसके बाद यहां पे कौन सा निशान है, मल्टीप्लाई का, 6 × 2 = 12। अब क्या करेंगे, दोनों अलग अलग निशान है, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस, माइनस कर दो, कितना आएगा, 16 आंसर। समझना, इसको डाल लीजिए। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर बी क्या है, क्वेश्चन नंबर बी में 84 / 72 / 6 सेम वैसे ही करेंगे, पहले ब्रैकेट का काम होगा हम लोगों के पास, 84 / ब्रैकेट में 6 के टेबल में 72 कितने बार में आता, तो हम डिवाइड करके देख लेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो किस तरह से साइड में डिवाइड कर सकते हैं, 6 × 1 = 6, रिमाइंडर 1 × 2, 6 × 2 = 12 कितने बार में आ रहा है, 12 टाइम्स में, है ना। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 12। ओके, नाउ अगेन डिवाइड, फिर से डिवाइड करेंगे, 12 के टेबल में 84 कितने बार में आता है, 7 टाइम्स में, 12 × 7 = 84 आंसर क्या हो गया, 7। ओके, जो जो टफ है मैं वो सब बता दे रहा हूं, बाकी जितने भी को एक्सरसाइज 8 का 1 नंबर जो सिंप्लीफिकेशन है वो आप लोग घर पे बनाइएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो टफ है मैं वो बता दे रहा हूं, क्वेश्चन इज 1 का एफ नंबर, 15 × 3 / 5 × 8 - 2 + 6 × 8 - 2 यही क्वेश्चन है, चेक कर लीजिएगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले बिफोर ब्रैकेट, ब्रैकेट का काम होगा, दो हैं लोगों के पास, यहां पे कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45 डिवाइड, बाकी सब जैसा है वैसे ही लिख दीजिए। अगेन हम लोग के पास ब्रैकेट है ना, तो यहां पे माइनस करना, 8 में से 2 माइनस हुआ कितना बचा, 6। अब आते हैं हम लोग बोर्ड मास की तरफ, देखिए तो पहले कौन सा नंबर है हम लोग के पास, D4 डिवाइड, मतलब ये वाला का है ना, डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, कितना आता है, 5 का टेबल में 45, 9 टाइम्स में। उसके बाद इसका काम हो गया, अब हम लोग के पास क्या बचा, यहां से यहां तक उसको वैसे ही उतार दो। ओके, अब डिवाइड तो गया, अब क्या बचा, M4 मल्टीप्लाई, इट मीन्स ये वाला और ये वाला, ये दोनों है ना, क्या हो गया, 9, क्या हो गया,
9 8 72 माइनस 2 प्लस 6 जा 36, यही हुआ ना। अब आते हैं एडिशन, देखिए तो इसके आगे में कोई निशान नहीं, मतलब प्लस का निशान है और यहां भी प्लस है, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे इसको और इसको ऐड कर देंगे, ऐड करके हम लोगों को कितना आएगा 108, और यहां पे क्या बच गया हम लोगों का माइनस 2 है ना, तो माइनस 2 ऐड माइनस कर दो, दोनों अलग अलग निशान है 106 आंसर। निशान क्या जिसका होगा हमेशा याद रखिएगा, जो निशान सबसे बड़ा होगा, जो डिजिट उसके आगे में जो निशान रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे, कौन सा निशान कौन सा डिजिट बड़ा है 108, तो निशान क्या जिसका होगा प्लस का। ओके तो बाकी के सम को जो है आप लोग घर पे ट्राई कीजिए।